आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्टर कोच हूँ। आज हम आपको बताएंगे एरोजिनस एनेटमी और वजाइना। टॉपिक जरा बड़ा अंग्रेजी किस्म का लग रहा है, लेकिन आज इसका मतलब ये है कि वजाइना क्या है, फिर उसके अंदर वो कौन से पॉइंट हैं जो कि जिसको टच किया जाए तो सेक्सुअल स्टिमुलेशन इतनी होती है कि लड़की पागल हो जाती है, अडिक्ट हो जाती है आपकी। तो आपको आज उसकी एनाटॉमी सिखाएंगे। मेरे पास एक मॉडल भी है कमाल का, ये देखिए मॉडल। आप कहेंगे ये क्या गुब्बारा है, इसी से मॉडल बनाएंगे, फिक्र ना करें। पहले तो देखना कि ये वजाइना होता क्या है। आपको मैं चाहता हूँ कि हर चीज शीशा हो जाए, क्लियर हो जाए। जब हम शर्मगाह देखते हैं फीमेल की, तो हमें एक ऐसे ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर नजर आता है। ये साइड पे इसको हम कहते हैं लिप्स, ठीक है। ऊपर माउथ होता है और नीचे यहाँ करके सुराख होता है जिसे हम वजाइना कहते हैं, ठीक है। ऊपर यहाँ पर क्लिटोरियस होता है, तो इसे हम कहते हैं वल्वा और उर्दू में इसे कहते हैं फ्रज। लेकिन लोग जो है ना, इसको सारे को भी, वल्वा को भी लोगों ने मिस नॉर्मल के तौर पर वजाइना कहना शुरू कर दिया। मर्जी है, गलत चीज़ें गलतुल आम हो जाती हैं। तो इस तरह ये वजाइना भी एक गलतुल आम वर्ड है जो कि पूरी वल्वा के लिए यूज होता है। वजाइना एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि वल्वा का एक पार्ट है। ये कहाँ करके होती है? ये वजाइना है, वल्वा है, और इसके यहाँ करके ये, यानी कि नीचे से एपेक्स से थोड़ा सा ऊपर होती है। तो ये यहाँ पर, ये इसका मुंह है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इंट्रोइटस, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है। तो ये जो पिछला हिस्सा, ये आपको नजर नहीं आ रहा है, ये अंदर होता है और ये अंदर फिक्स होता है एक कैविटी के अंदर। तो अब ये जो वजाइना है, इसके अंदर नफ्स जाता है और इसी के लोग दुश्मन हैं, लोग इसी के दोस्त हैं, इसी के पीछे भागते हैं। तुम जाने तो सही थे, ये है क्या है, ठीक है। अच्छा, ये जो हिस्सा है, ये अगला है, ये इंट्रोडक्टस हो गया, ठीक हो गया। अब जब वजाइना जब होता है अन अराउज, तो ये ऐसे छोटा होता है, लेकिन जब लड़की को छेड़ते छूटते हैं, हम प्यार करते हैं, तो ये एकदम एक्सपेंड करता है और ये डबल उसका साइज हो जाता है। जैसे हम ये डबल हो गया, ये देखिए पीछे से ऐसे गुब्बारे की तरह ये फूल जाता है और ये आगे से नहीं फूलता ऐसे, ठीक है। तो ये वजाइना ऐसे बन जाता है जब लड़की हीट में आ जाती है। अब हमने देखना है कि इसके अंदर सेंसिटिव पॉइंट कौन से हैं जहां पर सेक्स बहुत स्ट्रांगली महसूस होता है, ठीक है। सबसे पहले ये जो एंट्रस है ना, इसका ऊपर का हिस्सा और ये निचला हिस्सा, ये सेक्सुअली बड़े सेंसिटिव होते हैं। यानी कि अभी पिछले दिनों एक रिसर्च हुई, तो उन्होंने फीमेल के स्ट्रक्चर बनाया और हजारों खवातीन को जब पूछा कि कौन सा हिस्सा है जहां पर आपको टच करना अच्छा लगता, तो ख्याल तो यही था कि क्लिटोरियस के हिस्से ही हैं, क्लिटोरियस सब जानते ही हैं, वो जो दाना होता है, तो यही ख्याल था जवाब आएगा। लेकिन हैरान कुन तक ये बात सामने आई कि तकरीबन 40% से ऊपर खवातीन ने ये एरिया का बताया कि वजाइना का ये हिस्सा है जो हमें चाहते हैं कि लोग टच करें, अंदर नहीं, बिल्कुल ये इसमें, इसलिए इसका मतलब इसको आप टच करें प्यार से तो फीमेल में सेक्सुअल अराउजल जो है ना बड़ा स्ट्रांग आ जाता है। बहरहाल ये चीज़ है तो कॉन्ट्रोवर्शियल। मैंने भी ये क्वेश्चन उठाया अभी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, कि मैंने बताया था कि ये हिस्सा सेंसिटिव नहीं है। असल में इसके राइट एंड लेफ्ट पे ना वो क्लिटोरियस का एक पार्ट आता है जो नीचे आ जाता है, जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल्स, ऐसे करके वो बड़े सेंसिटिव होते हैं सेक्सुअली, और जब यहाँ से हाथ लगाते हैं तो वेस्टिब्यूल को जाके टच करता है, तो इसलिए टच है। तो वहाँ पर वो जो राइटर था उस ऑथर उस आर्टिकल का, उसने मेरे से एग्री किया कि हाँ हो सकता है आपकी बात सही हो। एनी हो, अब बात यह कि खवातीन तो यही कहेगा हमें ये पसंद है और ये पसंद है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी पॉइंट पे, कि जी पॉइंट कहाँ पे है, और जी पॉइंट की हाइट तो आपको पता ही है, लोग उसको
करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए पागल मरे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जी पॉइंट कहाँ पे होता है। अब ये है वजाइना, इसके आप 1.5 इंच 2 इंच ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ करके जी पॉइंट होगा। अब नर्व्स जो है वो डायरेक्टली जी पॉइंट को टच नहीं कर सकता, मजबूरी है, वो सीधा निकल जाता है, वो आगे चले जाता है ये फंडस में, ये जो है अगला हिस्सा है। तो अब इसको टच करने के लिए बेसिकली आपको फिंगर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जैसे मैंने ये फिंगर डाल दी और यहां पर मैंने उसको टच करना शुरू कर दिया, तो अब यहां से टच करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब फीमेल फूली तो ये एकदम फूल जाता है एरिया, और फीमेल को एक और किस्म की लज्जत आती है जो कि क्लिटोरिस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन जी पॉइंट का मैं बता दूं, ये भी असल में, ये जो वजाइना है ये भी असल में उसका हिस्सा नहीं है। आप कहेंगे ये क्या है, बेसिकली ये जो वजाइना है ना, इसके ऊपर एक ऐसे करके पेशाब की नाली चल रही होती है, बिल्कुल इसके ऊपर वाले हिस्से पे, ठीक है। इस पेशाब वाली नाली के इर्द गिर्द ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्किन ग्लैंड्स। स्किन ग्लैंड्स वही ग्लैंड है जो आपके मेल के प्रोस्टेट के ग्लैंड्स होते हैं। तो यही ग्लैंड्स जो है ना असल में सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा सेक्सुअली, जब अंदर से हाथ डाल के आप उनको करते हैं तो असल में उनको टच होता है, फिर वो जोश में आ जाते हैं तो सिक्रीशंस फेंकते हैं जिसे कहते हैं फीमेल इजैकुलेट, ठीक है। तो फीमेल इजैकुलेट वजाइना में से नहीं निकलता, ये कहां से निकलता है, वो पेशाब की नाली जो इसके ऊपर चल रही है वजाइना के ऊपर। तो ये है वो जी पॉइंट, ठीक है। अब जी पॉइंट को या तो फिंगर से आप कर सकते हैं, या कुछ सेक्स पोजिशन है जिसमें फिंगर के अलावा भी, जैसे डॉगी पोजीशन है, ये ऐसी पोजीशन है जहाँ नफ्स जो है ना डायरेक्टली टच करता है, इसलिए फीमेल को सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना डॉगी पोजीशन में आमतौर पे आता है। डॉगी पोजीशन नहीं अडॉप्ट करती, ज़रा उनको लगती बेइज्जती महसूस होती है, कहते जानवर बना दी है, लेकिन सब जानवर तो पता बड़ी खुशी से जानवर बनते हैं, क्यों, उनको पता है कि यहाँ और मज़े बड़े हैं। तो फीमेल भी जो इन्जॉय करती हैं डॉगी पोजीशन में, पाकिस्तान में उसे डॉगी पोजीशन को घोड़ी कहते हैं, घोड़ी कहते जानवर का नाम ही है, नाम जानवर का ही रखा हुआ है। तो घोड़ी पोजीशन हो गया, डॉगी पोजीशन में ये जी पॉइंट जो है ये एक्टिवेट होता है और लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने बता दिया कि जी पॉइंट कहाँ होता है। अब हम आते हैं ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट क्या से आ गया भाई, ए पॉइंट भी बड़ा अहम है, और जो यहां तक पहुंच जाता है इसे हम कहते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर का मतलब यहां से जैसे जलजला आता है ना, तो ये ऑर्गेनिज्म भी तो जलजला ही होता है ना, ये वहां से एक्टिव होता है, और जो वहां डायरेक्ट पहुंच जाते हैं फीमेल डायरेक्टली उस वजाइनल इंटरकोर्स ऑर्गेज्म में जाती है, जिसका मजा ही बड़ा रूहानी उनका होता है। अब वो मैं बताता हूँ वो होता कहाँ पे है, ए पॉइंट कहाँ पे होता है। असल में ये देखें, ये वजाइना है जो कि इसमें हीट आई है, ठीक हो गया। अब ये समझाइए, जो मेरी है ना फिंगर्स, ये है सर्विक्स। सर्विस क्या होता है, बच्चेदानी का मुंह। बच्चेदानी का मुंह जो है ना इसके ऐसे अंदर जाता है, पीछे से निकल के वजाइना के अंदर आ जाता है अंदर, ठीक है, सर्विक्स में। अब ये जो हिस्सा है सर्विक्स का वो तो यहां चला गया, अब ये जो हिस्सा ऊपर का वजाइना का है ये सर्विक्स अंदर गया, और मेरी उंगलियों के ऊपर वाला हिस्सा जो है ना ये है ए पॉइंट, और इसके पीछे है पी पॉइंट। अब जब हम इसको टच करते हैं तो एकदम जलजला आता है और फीमेल एक्सट्रीम मजे में जाती है। अब नफ्स यहां तक नहीं पहुंच सकता, नफ्स का मोटा होता है जो ग्लैंड्स होता है, तो अब इस कैसे करेंगे, इसको भी हम फिंगर से जाएंगे, फिंगर से अंदर जाएंगे और अंदर से यहां तक पहुंचेंगे और इसको फिर हम स्टिमुलेट करेंगे, तो यहां पर ए पॉइंट होगा जिससे फीमेल जो है ना वो एकदम नशे में आ जाएगी और एकदम उसे ऑर्गेज्म महसूस होगा। फिर एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं प्रीनियल स्पंज। ये जो पोस्टीरियर पी पॉइंट था, इसके और जो एनल कनाल के बीच में एक सेंसिटिव एरिया होता है उसे स्पाइनल प्रीनियल स्पंज कहते हैं, जिसको भी जब टच करें तो फीमेल हीट में आ जाती है। इसीलिए कुछ औरतें वो पीछे से सेक्स करना पसंद करती हैं, बैकडोर समझते हैं ना, क्योंकि वो इस एरिया को टच करता है प्रीनियल स्पंज को। तो ये मैंने बता दिया
कि किस तरीके से हमने ए पॉइंट को देखा, हमने जी पॉइंट को देखा, हमने इंट्रोइटिस को देखा, और आज हमने बता दिया कि वजाइना जो है ये बेकार नहीं है, कि ये खाली खाली नाली है जिसका मकसद है सीमन को पहुंचाना है सर्विक्स और यूट्रस तक, इसके अंदर सेक्सुअल हिस्से मौजूद हैं और उनको टच करना एक साइंस होती है। जो इस साइंस को सीख जाता है, बीवी गर्लफ्रेंड सब उसको सलाम करती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको बड़ी डिफरेंट लगी होगी, इंजॉय किया होगा, तो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, खुश रहें और खुशियां बांटें। डॉक्टर बर्क की इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।